हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं अर्चना एंड प्रैट। मैंने आज मॉर्निंग ही से ब्लॉग शुरू कर दिया। अभी मैं सो के उठी, उठ गई थी थोड़ी देर पहले ही से, बैठी हूँ अभी। वहाँ से आई, थोड़ा गर्म वाटर पिया, फिर बैठ गई। अब बनाने जा रही हूँ आरव के लिए ब्रेकफास्ट। वही मेथी आलू की सब्जी और परेठा ले जाना आर आपको। मेथी तो मैं पहले ही से कट करके रख लेती। ये आज मैंने नाइट में हेयर में ऑयल लगा लिया था, अभी हेयर वॉश करूँगी तो हेयर में ऑयल लगा लिया था। वही ये मैंने कट करके रख लिया मेथी और आलू। मेथी पहले कट करके रख ली ताकि मॉर्निंग में ऐसा होता ना, जल्दी जल्दी होता तो वो जल्दी से हो जाता। और आलू अभी कट कर लिए, अभी इसको बनाते हैं। बनाती हूँ ये मैंने आलू और मेथी सी मैं नीचे वो कट करके रख ली है। मेथी पहले कट करके लगी क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो मॉर्निंग में जल्दी से बनाना हो तो कटी हुई होती है तो सही रहता है। और आलू मैंने अभी कट कर लिए तो बनाती हूँ। इसमें डालती हूँ लहसुन, सब्जी में लहसुन बनने तक तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये लगे आटा,
आपको दे के आती हूँ। आरव के पापा आरव को रेडी कर रहे हैं, चलो चलते हैं। ये देखो मेरे यहाँ कितने लगे हैं बाहर, ये देख। अभी यार आपको नीचे छोड़ने आए थे, मैंने कहा चलो दिखाई देते हैं। रोज़ रोज़ हो जाता। ये तो मेरे यहाँ बहुत सारे हैं, इनको रोटी खिला दो फिर देखो, कुछ भी खिला दो, रोटी क्या। ये देखो ये सब नीचे ही लगे, ऊपर वाले तो मैंने दिखाए थे। ये देखो क्रिसमस ट्री कितना बड़ा हो गया, ये देखो रियल वाला है। ये अभी उसमें कुछ लगा नहीं है, लगाना है, खाली है वो, उसमें लगा था वो हट गया, सूख गया वो। ये मेरे यहाँ देखो कितनी सारी मनी प्लांट लगी, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ जमीन में किनारी बनी है, उसी में मिट्टी डाल के ये देखो पूरी बहुत ज़्यादा लगी है। ये खड़ी मेरी स्कूटी, ये नीचे सब खड़ा हो जाता है, ये इनकी बाइक खड़ी, स्कूटी, यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती, सब खड़ा हो जाता है यहीं पे अंदर ही। ये चले। ये मैं आ गई हूँ फिर से, हो गया। ये भी आरव सब चले गए और मैंने अभी किचन थोड़ी क्लीन की, अभी बर्तन धुलने वो धुलूँगी। पहले मैंने कहा ये रूम, ये देखो सब फैला पड़ा बेड वेड, आरव का भी, मेरा बेडरूम भी, तो मैंने कहा क्यों ना आरव के बेडरूम से शुरू कर दो। तो चलो करते हैं। अभी यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे धूप आ गई थी बालकनी में, तो ये चेयर सेट कर ली थी, यहीं बैठ गई थी थोड़ी देर।
मन का सुबह चल तो करते हैं, चलो आरब का रूम से ही। ये हो गया आरब का रूम। ये देखो कि सारा का सारा रूम हो गया। चलते हैं बेडरूम में, फटाफट करते इसकी भी चेंज करते।
हो गया बेडरूम, बेडशीट चेंज कर दी, ये वाली डाल दी। आप लोग बताना कैसी लग रही कमेंट करके। ये बेडरूम भी हो गया और आपका रूम भी हो गया। अब ऐसे ही रोज़ रोज़, मतलब रोज़ बेडशीट नहीं चेंज करो तो, लेकिन रोज़ सही करके ऐसे ही रख दो। डालते तो पूरे टाइम वैसे ही डला रहता, और जैसा घर रखने लगो वैसे ही बच्चों की भी आदत पड़ जाती। तो आज जैसे हम लोग साफ साफ रखते हैं वैसे आरव की भी आदत है, वो भी कोई चीज़ कहीं से भी लेगा वहीं रख देगा, बिल्कुल साफ रखता। बस सुबह सुबह थोड़ा सा इधर उधर हो जाता क्योंकि इतना फास्ट फास्ट होता टाइम, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी से करना पड़ता। इधर उधर सामान, कहीं कपड़े रख देते, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो ऐसे थोड़ा बहुत फिर सही कर दो तो पूरा टाइम बस ऐसे ही सही बना रहता। चलो चलते, ये कपड़ों को डालूँगी अभी मशीन में मैं, और ये कपड़े हैं धुले हुए तो इनको मैं करूँगी फोल्ड। इतने इतने ही कपड़े हैं तो इनको फोल्ड कर देती हूँ। ये हो गए कपड़े फोल्ड, ये कपड़े फोल्ड हो गए। इतने ही थे, इतने फोल्ड करने के फिर बहुत ज़्यादा हो जाते तो काफ़ी टाइम लगता। जैसे थोड़े से कपड़े होते हैं धुल के रखे तो मैं उसको फोल्ड करके ही फिर रख देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा एक साथ करते जाओ तो फिर इधर उधर फैले भी रहेंगे, वो भी अच्छे नहीं लगेंगे, और फिर एक साथ करो तो बहुत 2-3 घंटे करते रहो। तो जितने होते हैं उतने ही कर देती हूँ फोल्ड, फिर बाकी बकाया जब होते तब फिर वो वाले कर देती हूँ, तो ऐसे हो जाता काम। आप चलते हैं किचन में। इतना तो आपने देख लिया। इसकी बेडशीट मैंने चेंज नहीं की आज क्योंकि ये अभी सही है। किचन में, किचन को मैंने स्लेप से सब साफ करके रख दी थी। बस 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 वो उस साइड मत लेना, वो है बर्तन अभी धुलने को, तो मैं अभी धुलूँगी बर्तन। ये आज मैंने यहाँ भी थोड़ा सा कर दिया, चिक 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 चिक। ये अब बस बर्तन धुलने को है और मशीन में डालूँगी कपड़े और नहा लूँगी हेयर वॉश करके, तो ऐसे हो जाएगा काम। फिर बैठूंगी, बात करूंगी, थोड़ी सी धूप में बैठूंगी क्योंकि अभी यहाँ पे बालकनी में बहुत देर तक धूप बनी रहती है, और जब यहाँ की धूप जाती है तब लंच वंच बना के फ्री हो तो उस साइड सामने वाले की तरफ बैठ जाओ, तो वो हो जाता। चलो करते हैं फटाफट, करते जाते हैं। अभी वॉशिंग मशीन कपड़े डाल देती हूँ फिर आती हूँ बात करते हैं।
सारे सारे दो बेडशीट अभी डाल दी, बाकी बका एक बेडशीट और है वो बाद में डालूंगी। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। ये मैं आ गई आपसे बात करने। अभी मेरे हेयर गीले हैं, सूखे नहीं हैं, ना लिया था तो गीले हैं। और मैं करने लगी थी कुछ काम। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद वो कपड़े मशीन में डले थे वो धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं फिर आपसे बात करते, तो कपड़े डालते। आज मैंने पहना है देखो क्या, नहीं देखा अभी दिखाते हैं। ये देखो आज मैंने ये पहना है, कैसा लग रहा है बताना। मैंने ये पहन लिया था, मैंने कहा पहनते हैं, आज बहुत तेज धूप निकली तो चलो आपको आज छत पे ले चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा धूप और वहीं बात करूँगी, थोड़ा धूप लग जाएगी हेयर में भी और मुझे भी। चलो चलते हैं। आ गई हूँ छत पे, ये देखो दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। ये मेरी छत पे ऐसे बने, ये इन पे हम लोग बैठ जाते आराम से। एक के ऊपर फोर बने हैं, फोर। एक इस साइड बना बालकनी की तरफ, ये देखो ये बने। ये देखो मेरी छत से कैसा लग रहा, ये ग्राउंड है बहुत बड़ा, इसमें गाड़ी सीख लो, बहुत लोग सीखने आते गाड़ी, फोर व्हीलर, स्कूटी, बाइक सब, और बच्चे क्रिकेट भी खेलते। अभी तो बारिश जब हो गई थी तब बहुत ज़्यादा वाटर भर गया था, तो कोई नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा आते। तो अब मैं बैठती हूँ यहाँ पे और करती हूँ आपसे बात। ये बैठी हूँ यहीं पे धूप में, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लूँ ये बाहर। कल मतलब मंडे को मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि कल मुझे इतनी दिक्कत हो गई थी यहाँ पे शोल्डर से यहाँ तक पूरे में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ शूट वूट नहीं किया। तो आज मैंने कहा चलो धूप निकली है अच्छी सी, हेयर भी धुले हैं, तो धूप में बैठ लेती हूँ ताकि सर्दी ना लगे। वो मुझे पता नहीं क्यों अचानक से दर्द होने लगा। ये बोल रहे थे कि एक बार मैं स्कूटी लेके मार्केट गई थी तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस साइड से दो लड़के बाइक लेके आ रहे थे, इस साइड से मैं लेके जा रही थी अपनी स्कूटी, ये आरब घर पे ही थे, तो उससे काफ़ी तेज हो गया था, चोट वोट लग गई थी पर कुछ ऐसा नहीं। तो उसी का कहते ना जो अंदर से चोट लगी होती उसका, उसी का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, हो रहा होगा और क्या, उसी वजह से हो रहा होगा, नहीं तो ऐसा कोई वो ही नहीं हुआ। जैसे ठंडक या कोई हवा हवा चलती है तो ऐसे दर्द होने लगता अचानक से, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो धूप में बैठ लेते थोड़ी देर। देखो पिजन उड़ के जा रहा, ये क्या क्या आया आज, ये देखो मेरे बाहर पता नहीं क्यों आए, दिखाते हैं। ये देखो जे सी बी पता नहीं कहीं जा रही होगी, तो वही आइए देखते बाहर से, यहाँ से देखते। ये जा रही है कहीं। खूब अच्छी धूप है आज, बहुत तेज तेज। अभी तभी मैंने कुछ नहीं पहना ऊपर से, स्वेटर ना जैकेट, यहाँ बहुत सारे घर बन रहे। देखो उस साइड वो नहीं देखे, ये देखो तो ये हाँ अच्छी सी धूप है, बढ़िया सी। और आरब का आज
जूनियर साइंटिस्ट का टेस्ट होता है वो है आज। तो यार बोले तो मेरा टेस्ट आज है, पेपर है, उसमें बच्चों को तैयारी कर, वो किसकी जीके की और ईवीएस की तैयारी करके ले गया। और अभी मैं सुबह सब्जी बनाई थी वो अभी है, तो मैंने सोचा दाल राइस आरब बोल रहे थे तो दाल राइस बना लूँगी, और बस जब आएंगे सब लोग तो खा लेंगे। ज़्यादा सब खा के गए और लेके तो मन नहीं होगा, तो ऐसा इस साइड से सही दिख रहा है ना। इस साइड से मेरा फेस भी दिख रहा। आज मैंने ये बड़ी बिंदी लगाई, तो मैं छोटी छोटी सी बिंदी लगाती तो बैठते दूँ मैं। ज़्यादा काम वाम हो गया था, अब कुछ काम नहीं बचा। सब एक बार हो जाए फिर तो बस फ्री, फिर कुछ काम नहीं रहता। अभी बैठी धूप में, फिर बात करूँगी अपने फ्रेंड से। सब मेरी फ्रेंड दूर दूर हैं तो कोई आ नहीं पाती जल्दी से। एक दो फ्रेंड पास में है पर वो भी नहीं आ पाती। जब आएंगी तभी कभी मिलाऊंगी उनसे। अभी जल्दी से कोई कैमरे के सामने सब। लेकिन वो यही एक तो पास ही में रहती है, एक थोड़ी दूर पे, और बाकी बकाया सब दूर ही दूर हैं। मेरी कई एक फ्रेंड है, कितनी है, 6-7 फ्रेंड है। सबकी शादी होगी, सबके बच्चे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन, वो घंटी दबा देना। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और भर भर के लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करिए, और आपका मन करे तो शेयर कर देना। चलो बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों का प्यार रहा तो हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बाय।